आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन इज 7 पीपल ए बी सी डी ई एफ एंड जी स्टे ऑन अ 7 फ्लोर्स बिल्डिंग। नोबडी स्टेज ऑन ग्राउंड फ्लोर व्हिच इज नेम्ड 0 फ्लोर। दे आर प्रोफेसर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फाइनेंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, फिजिक्स, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो बेसिकली अभी तक हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 7 लोग हैं जो कि एक बिल्डिंग में रहते हैं। सो फर्स्ट फ्लोर से हम नेम करना चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है कि हम इसको ऐसे लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक है। सो अब हमें गिवन है कि इन 7 फ्लोर पे अलग अलग प्रोफेसर्स रहते हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट टीच करते हैं। इस सिटिंग प्लान के हिसाब से हमें इनको बिठाना है। सो प्रोसीड करते हैं। द प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस स्टेज ऑन ईदर सेकेंड और फिफ्थ फ्लोर। तो फाइनेंस का प्रोफेसर कहाँ रहेगा, या तो सेकेंड पे या तो फिफ्थ पे, ठीक है। इन दोनों से कहीं पर भी रह सकते हैं। तो अभी हम ना सब्जेक्ट के फर्स्ट अल्फाबेट से ही इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द पर्सन हु टीच इंग्लिश एंड फाइनेंस। तो जो इंग्लिश पढ़ा रहा है और जो फाइनेंस पढ़ा रहा है उनके बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ना अलग अलग पॉसिबिलिटी के हिसाब से लेकर चलते हैं, ठीक है। सो एक हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक हमने यहाँ पर ले ही लिया। अब इंग्लिश और फाइनेंस के बीच में 3 लोग हैं, तो इंग्लिश ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे जाएगा, 3 लोग इनके बीच में आएंगे और इंग्लिश हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में फाइनेंस यहाँ पर है, तो यानी इंग्लिश ऊपर जाएगा, 1, 2, 3, 3 छोड़े और यहाँ पर कौन आ जाएगा, इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट हिसाब से चलते हैं। एंड ऑल्सो देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द पर्सन हु टीच इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स। और जो इंग्लिश पढ़ा रहा है और जो कंप्यूटर्स पढ़ा रहा है उनके बीच में भी 2 फ्लोर होंगे। तो यानी कि यहाँ पर 2 फ्लोर छोड़ दो तो यहाँ पे कौन आएगा, कंप्यूटर वाला। यहाँ पर इंग्लिश वाला है, 2 फ्लोर छोड़ दो तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, कंप्यूटर वाला। ओके, फिजिक्स लेक्चर स्टेज इमिजिएटली बिलो द मार्केटिंग लेक्चर। तो फिजिक्स का लेक्चर जो है ना वो मार्केटिंग के लेक्चर के बाद ही आएगा, ठीक है। तो यानी मार्केटिंग पहले, फिजिक्स बाद में। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है और इस केस में यहाँ पर भी है। इस वाले केस में हमारे पास यहीं पर है तो हम इसको फिल कर लेते हैं कि हमें तो ये दोनों साथ में चाहिए कि मार्केटिंग ऊपर हो और फिजिक्स नीचे हो, ठीक है। अभी यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे लेकिन अभी हम फिल नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा मार्केटिंग या फिजिक्स, या फिर यहाँ पर आ सकता है मार्केटिंग और फिजिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, अकाउंट्स लेक्चर स्टेज बिलो मैथमेटिक्स लेक्चर, नॉट नेसेसरी इमीडिएट बिलो मैथमेटिक्स लेक्चर। यानी अब हमें गिवन है कि अकाउंट्स का लेक्चर जो है ना वो मैथमेटिक्स के बाद आएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि उसके जस्ट नीचे ही हो, बस उसके नीचे होना चाहिए। और आगे हमें क्या गिवन है, अकाउंट्स लेक्चर डज नॉट स्टे ऑन फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर। तो अकाउंट्स लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पे नहीं आ सकता, यानी अकाउंट्स जो है इन दोनों में से किसी भी पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, और हमें यहाँ पर ये भी कहा गया साथ ही कि अकाउंट्स लेक्चर जो है मैथमेटिक्स के नीचे आएगा, तो यानी कि ये कंफर्म हो गया मैथमेटिक्स हमारा ऊपर जाएगा। तो हम इसको मैथ्स लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास एक एम है मार्केटिंग का, तो मैथ्स के नीचे ही अकाउंट्स जाएगा। लेकिन अकाउंट्स फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पे जा नहीं सकता, दैट मीन्स ये वाला जो हमने सिस्टम है, ये जो हमने बिठाया है, ये गलत है, यानी कि ये हमारा गलत है, इस सेटिंग प्लान से ये नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस वाले केस पे आ जाते हैं हम। इस वाले केस में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, तो हमें क्या करना है कि अकाउंट्स को मैथ्स के नीचे बिठाना है, तो यानी ऊपर मैथ्स नीचे अकाउंट्स। तो और हमें साथ ही कहा गया है कि अकाउंट्स फर्स्ट या सेकेंड पे नहीं आएगा, तो हम एक काम करते हैं ना, मैथ्स को इधर बिठा देते हैं और अकाउंट्स को यहाँ पे बिठा देते हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर क्या फाइनल हो जाएगा, मार्केटिंग और फिजिक्स। तो अब हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंफर्म हो गए। तो यहाँ पर हम इसको पूरा लिख देते हैं कि ये क्या है, मैथ्स है, ठीक है, ताकि मैथ्स और मार्केटिंग में कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, मार्केटिंग, ओके। बाकी के नेम्स भी पूरे कर दें, तो ये क्या है, अकाउंट्स, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, फाइनेंस, ठीक है।
तो ये क्या हमारा फाइनेंस, एंड ये नेक्स्ट क्या हमारा सी से कंप्यूटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कंप्यूटर। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास फिजिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। तो इस ये अरेंजमेंट हमारा डन हो गया, अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर प्रोसीड करते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर लेक्चरर इज नॉट करेक्ट, तो इनमें से कौन सा कॉम्बो करेक्ट नहीं है हमें ये बताना है। तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है, इंग्लिश फर्स्ट, यानी कि लेक्चरर जो इंग्लिश सब्जेक्ट का है वो कौन से फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, मार्केटिंग थ्री, मार्केटिंग कहाँ पर है, थर्ड फ्लोर पे, करेक्ट है, यानी कि ये दोनों हमारे एकदम करेक्ट है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला हमें क्या गिवन है, दैट इज मैथमेटिक्स सेवन, तो मैथमेटिक्स कहाँ पर है, मैथमेटिक्स हमारा कहाँ पर है, सेवन्थ पे है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, फिजिक्स फाइव, तो फिजिक्स कहाँ है हमारा, सेकेंड पे है, फिजिक्स तो हमारा सेकेंड पे है ना, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, दैट इज ऑप्शन फोर विल बी द राइट आंसर, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।